नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। त्योथर रीवा जिले की जनपद पंचायत त्योथर के देवपा कोठार में पूर्व में अनियमितताओं की जांच को लेकर आमरण अनशन पर बैठकर उपसरपंच पंकज शुक्ला उर्फ महाकाल ने सीईओ जनपद पंचायत त्योथर के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त किया। जनपद सीईओ ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। मौके पर जनपद के कर्मचारी मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं सीईओ जनपद पंचायत त्योथर श्री राहुल पांडे एवं पंकज शुक्ला उर्फ महाकाल की जुबानी। आपकी खबर हमारी नज़र। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। जनपद पंचायत त्योथर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल पांडे सर हमारे सामने मौजूद है। सर, जो है जुपा कोठार को लेकर के उप सरपंच पंकज शुक्ला के द्वारा 3 तारीख से अनशन यहाँ पर किया जा रहा था और उन्होंने पूर्व में कराए गए कार्यों को लेकर के जिला पंचायत सीईओ के यहाँ जांच के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन जांच नहीं हो पा रही थी। अब वो संतुष्ट हैं, उनको भरोसा हो गया है कि सीईओ साहब इस पर विधिक कार्रवाई करेंगे और जांच कराएंगे और वर्तन तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या सर ये कार्रवाई होगी, जाँच हो पाएगी? धन्यवाद द्विवेदी जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि पूरा मामला आप कवरेज कर रहे हैं। जैसा कि माननीय उप सरपंच महोदय ने अभी बताया कि काफ़ी वो आहत हैं इस कार्य प्रणाली से, जो जांचें हो रही हैं नहीं हो पाई हैं। तो सबसे पहले तो मैं माननीय उप सरपंच महोदय को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि वो इससे पहले भी एक बार मुझसे बोल चुके थे कि मैं अनशन में बैठूंगा, लेकिन मेरे कहने ही पे रुके थे। पहली चीज़ तो ये, मैंने कहा कि मैं जाँच कराऊँगा। और इन्होंने जो शिकायती पत्र दिया जिसमें जो बिंदु हैं उनमें से हमारी टीम बैठी जा रही, इन्होंने 2-3 बिंदुओं पर जांच कर ली है, उनकी शिकायत सही पाई गई है, उसमें मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। 1-2 बिंदु और हैं, वो रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर ही होंगे। हमको अधिकतम शुक्ला जी से मुझे केवल 1 हफ्ते का और समय चाहिए। कुछ तो जांचें हो गई कंप्लीट, 1-2 जांच और हैं जिसके लिए हमको रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, जाके मौके पर जाना पड़ेगा। तो वो हम करके इनको इनकी जो शिकायत है उसे सही कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए माननीय सरपंच जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सिस्टम पर भरोसा जताया। रही बात थोड़ा सा लेट होने की, तो लेट होने की वजह यह है कि एक एक व्यक्ति के पास 10-10 5-5 जाँचें हैं और भी शिकायतकर्ता कुछ हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पे। ये लोग भी अपने लिए आए हैं कि भाई हमारी शिकायत अभी तक क्या हुआ, और वो भी कुछ शिकायतें चल ही रही जाँच में। टीम हमारे पास यही है, आपको पता ही है। तो हम लगातार जाँच कर रहे हैं और इनकी जाँचें 2-3 पॉइंट आ चुके हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 2 बिंदु और बचे हैं, इसमें हम 1 हफ्ते में कार्रवाई करा लेंगे। और मैं आप सभी के यहाँ पे उपस्थिति में माननीय सरपंच महोदय से, सर इनके ऊपर भी एक एलिगेशन लगाया गया था वर्तमान सरपंच सुतरामा जी के द्वारा कि वर्तमान सचिव और उप सरपंच के द्वारा हमारे बिना जानकारी के फर्जी दस्तखत करा लिए गए। ये शिकायतें जो हैं, ये मैंने बोला कि आपसे रिकॉर्ड उपलब्धता पे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ संबंधित दोनों सचिवों ने थोड़ा टाइम मांगा था रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की, वो आज संभवतः उपलब्ध करा देंगे, इसके बाद ही इस विषय में कुछ कह पाएंगे। लेकिन ये है कि जाँच पूरी निष्पक्षता से होगी और सारी चीज़ें दूर का दूर पानी का पानी करने का प्रयास करें। थैंक यू। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे निवेदन पे आप सभी की उपस्थिति में अब अनशन समाप्त करने की कष्ट करें। और आप हमारे माननीय उप सरपंच हैं, आपसे डायरेक्ट हम लोगों के संबंध में, मैं सी हूँ आप लोगों का, जो भी चाहते हैं आप बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप अपनी बातें, अभी एक और अन्य उप सरपंच भी मौजूद हैं, वो डायरेक्ट अपनी बातें कर करके अपनी सारी जाँचें करा चुके हैं, प्रत्यक्ष बैठे भी हैं। और यही निवेदन मैं माननीय सरपंच जी से करूंगा देवपुर से कि अब आप अनशन समाप्त करें, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और हम लोगों को मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। इस समय जनपद पंचायत के गेट के सामने देवपा कोठार के उप सरपंच महाकाल और पंकज शुक्ला जी अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके अनशन के खत्म करने की भी प्रक्रिया जनपद के द्वारा चल रही है। तो क्या आप जो है अनशन समाप्त करने जा रहे हैं और आप संतुष्ट हो रहे हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। जीवन में कभी अनशन नहीं बैठूंगा, न किसी व्यक्ति के खिलाफ मैं आवेदन लगाऊंगा। मुझे इतना ज्ञान मिला 4 दिन में, तो मैं खुश हूँ। अब 4 दिन में मुझे ज्ञान मिल चुका है। मुझे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सी ओ साहब पर पूर्ण भरोसा है, पहले भी था आज भी है। आपके पास प्रभार है जवा का भी, आप ज़्यादा बिजी रहते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं आप ग्रामीणों तक जाते थे। हमने आपसे शिकायत किया था, आवास मुख्य मेरा मुद्दा है ग्राम पंचायत का। सीओ साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि बीबी को प्रधानमंत्री आवास
पति को मुख्यमंत्री आवास आपकी किस गाइडलाइन में? दूसरी बात ये कि तीन लोग ऐसे हैं कि पोर्टल तो खोलेंगे जनपद के, माने जी आप पोर्टल खोले ना, राधे श्याम नाम है, पंकज कुशवाहा नोट करो, राजकुमार पाल का और पोर्टल में खोलेंगे तो इनकी तस्वीर आ जाएगी, लेकिन अंदर से गहराई में जाएंगे जियो टैग पर तो पासबुक दूसरे के लगी है, जियो टैग में फोटो दूसरे की आ रही है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वंशन कभी नहीं बैठूंगा, इसलिए कि न्याय मिलने वाला अब नहीं है। तो क्या आपको CO त्योथर पर भरोसा है कि वो जाँच करेंगे? पूर्ण विश्वास है, कहीं हमको ये नहीं है। आज भी महाकाल जाना, मैं कहीं भी ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनको देख करके बोल रहा हूँ, उनके दबाव में बोल रहा हूँ या किसी प्रकार का, ऐसा मेरे अंदर कुछ नहीं है। पूर्ण विश्वास है CO साहब पर कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और जो तीन गरीब बेघर हैं, भोजन नहीं है, मरीज एक तो मरने वाला है, राधे श्याम है, 5-6 महीना मर गया, कम मर गया है, उनको पैसा मिलना चाहिए। अब पोर्टल में पांडे जी निवेदन मैं करूँगा कि जैसे पांडे जी हैं, इनसे आप प्रश्न करिए, पांडे जी से प्रश्न करिएगा कि जिसके मकान को दूसरे आदमी को दे दिया गया, क्या उसको दोबारा मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो लेकिन जिसको आपने एक बार मकान दे दिया है उसको दोबारा फिर मकान मिलेगा क्यों सर? पोर्टल पर है वो, देखिए बहुत संगीन मामला है, इसको आसान मत लीजिएगा। जिसको एक बार मकान दे दिया गया दूसरे का छीन करके, तो डकैती डाला और कुर्ता पहन के साफ भगा के दोबारा फिर मिले पोर्टल पर, सिक्योरिटी सर को साथ दे। तो ये कहा जाए कि CO साहब की आश्वासन मिलने के बाद आप पूर्णतया संतुष्ट हैं कि देवपा कोठार के पूर्व कार्यों पर जो जांच नहीं हो पा रही थी, जिसके खिलाफ आपने अनशन बैठा, जांच से संतुष्ट होंगे, जांच होगी और आप अपना अनशन तोड़ रहे हैं? नहीं नहीं, अनशन तो मैं CO साहब परसों ही आ गए होते तोड़ देता मैं अनशन, मैं इनका इंतजार कर रहा था।